खरगोन जिले की कसरावत तहसील की ग्राम पंचायत चिचली में संचालित हो रही शनिवार को गिट्टी प्लांट में ब्लास्टिंग की गई थी, जिसकी वजह से पूरे गांव में भूकंप जैसा झटका महसूस हुआ था, जहां मकानों की चद्दर भी हिल गए थे और मकानों के बर्तन भी नीचे गिर गए थे। कुछ मकानों की दीवारों में दरारें भी आ गई, जिसके विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने गिट्टी प्लांट पर जाने वाले मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर बैठ गए थे, जिसकी सूचना लगते ही कसरावत तहसीलदार मुन्ना अड़ भी मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पंचनामा बनाकर दूसरे रोज ग्रामीणों का दल कसरावत बुलाया गया था और कहा गया था कि इस मामले में एसडीएम से चर्चा करेंगे, लेकिन दूसरे रोज ग्रामीण चिलचिलाती धूप में तहसील कार्यालय के चक्कर काटते रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, यहां तक कि कोई भी नहीं मिल पाया। ग्रामीणों का धरना जारी रहा। मंगलवार तीसरे रोज कसरावत नायब तहसीलदार शेफाली अग्रवाल भी धरना स्थल पर पहुंची थी, जिन्होंने समझाइश के माध्यम से ग्रामीणों को हटाना चाहा, लेकिन ग्रामीण मौके पर दिए गए आश्वासन को लिखित में मांग करते रहे, लेकिन नायब तहसीलदार महोदया आचार संहिता का दबाव बनाते नजर आए, लेकिन ग्रामीण भी अपनी मांग को लेकर पीछे नहीं डटे। ग्रामीणों ने बताया कि जब तक जिम्मेदार अधिकारी आकर लिखित में जांच की बात नहीं होती, तब तक गिट्टी प्लांट बंद करने को लेकर धरना स्थल पर लिखित में नहीं देंगे, धरना स्थल पर धरना जारी रहेगा। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अगर हमारी समस्या पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया जाएगा। इसी संबंध में नायब तहसीलदार से मीडिया ने चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मीडिया से दूरी बनाते हुए बलकवाड़ा थाना प्रभारी रामेश्वर ठाकुर सहित नायब तहसीलदार मौके से चले गए। आप तीन दोस्त यहाँ धरने पे बैठे हैं, अभी अधिकारी पूछे थे क्या कुछ आश्वासन दे के गए? अधिकारियों को कहना है कि आप जिस मांग को लेकर धरने पे बैठे हो तो आचार संहिता में धरना देना ठीक नहीं है, इस वजह से आप धरना ख़त्म कर दो, गिट्टी प्लांट बंद है। हमारा उनसे ये निवेदन है कि अगर गिट्टी प्लांट बंद कर दिया गया है तो वो लिखित में हमें दे दें, हम धरना बंद कर देंगे। क्या बोला अधिकारियों ने आपने लिखित में मांग की? तो उन्होंने कहा कि हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से आके मिले, तो हम पूरे अधिकारियों से कलेक्टर महोदय, माइनिंग कलेक्टर, तहसीलदार, SDM साहब सबसे मिल चुके हैं। पहले कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? अगर अधिकारियों को धरना प्रदर्शन खत्म करवाना है तो वो यहाँ आए और हमारे धरना स्थल पर आके हमें लिखित में दे, तो हम धरना प्रदर्शन। अगर अधिकारी मुख्य पे नहीं पहुँचेंगे तो आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी रणनीति कुछ नहीं, हमारा शांतिपूर्वक जो धरना चल रहा है वो चल रहा है। आपका नाम? जय सिंह सिसोदिया। सुना है कि मतदान का भी बहिष्कार किया जा रहा है कुछ? वो तो आने वाले दिनों में करेंगे, अब देखते हैं कि अधिकारी कब तक हमारी बात को नहीं सुनते। वो तो फिर आगे कदम हमारे सब लोग बैठ के जो भी रणनीति तय करेंगे उसके अनुसार काम करेंगे। आपका नाम? जय सिंह सिसोदिया, उप सरपंच। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ।